गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माई क्लास एंड टूडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वी लर्न दिस इन क्लास 8, बट क्वेश्चन कम्स इन योर पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स ऑल्सो. सो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 8 स्टूडेंट एज वेल एज प्रिपेरिंग फॉर द पब्लिक सेक्टर एग्जाम. ओके, so we are going to start Pythagorean triplet. So before starting this Pythagorean triplets, we need to understand Pythagoras theorem. We learned this concept in from class 7th. So Pythagoras theorem is all about theorem related to your right angle triangle. So right angle means one angle of a triangle is 90 degree. So here this angle is what? 90 degree. So this is what? Right angle triangle. So if triangle is right angle triangle, so there will be hypotenuse, perpendicular and base. So Pythagoras theorem says hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. This is what Pythagoras theorem. Okay, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So we use this concept in maths also. So we call that Pythagorean triplets. We call Pythagorean triplets. Triplets means there will be three numbers. There will be three numbers, and these three numbers are arranged in this manner. It means the value of greatest number will be the value of hypotenuse, and other two number will be your perpendicular and base. So let me write the definition of Pythagorean triplets. A triplet suppose M, N and P of three natural numbers M and P is called a Pythagorean triplet if M square plus N square is equals to P square. So this is what your Pythagoras theorem. इसे हम यहाँ देख रहे हैं, है ना? H square, H मतलब hypotenuse, P मतलब परपेंडिकुलर, और यहाँ B मतलब बेस. तो वैसे यहाँ पे P क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस. M क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर. और N क्या हो गया आपका? बेस, है ना? तो कोई भी नंबर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम ट्रिपलेट्स कहेंगे. तो ट्रिपलेट्स मतलब वहाँ पे थ्री नंबर्स होंगे, है ना? तो जैसे कि एग्जाम्पल्स के रूप में हम यहाँ पे देख लेते हैं. जैसे आपका नंबर हो गया 3, 4 एंड 5. तो 3, 4, 5 को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कहेंगे, है ना? इसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कहेंगे, इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. दिस इज व्हाट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्यों हम इसे कहेंगे? क्योंकि हमको मालूम है 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. देखिए यहाँ पे हमें इसे याद रखना है कि ये जो तीन नंबर का जो सेट जो दिया हुआ है उसमें जो ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा हमेशा वो आपका हाइपोटेनियस होगा. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अब जिसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं. तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25. 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16. तो 9 एंड 16 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 25 आ रहा है. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों ही वैल्यू क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है. तो इसलिए हम नंबर 3, 4, 5 को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कहेंगे, है ना? तो ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला में हम उसे अरेंज कर सकते हैं, उसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कहते हैं. ओके, तो अब हमको समझना है कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ है तो उस नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे. ओके, तो हम उसे हम सीखेंगे. तो हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट.
ओके हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स होता है उसका जो फॉर्म, जो नंबर का जो फॉर्म होता है वो 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। जो फॉर्म है वो क्या होगा, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 होगा, है ना। इसी फॉर्म में आपके नंबर्स जो हैं वो अरेंज होंगे। ओके तो अब जैसे कि हम इसको एग्जांपल से हम सीख लेते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज पहला 6, है ना। अब आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक नंबर जो है वो 6 जो है आपको दे दिया गया है। ओके तो 6 जब दे दिया गया है तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इन तीनों नंबर में से कौन कौन से नंबर, आपका एक नंबर होगा 2m, दूसरा नंबर होगा आपका m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा नंबर होगा आपका m स्क्वायर प्लस 1। तो इन तीनों में से एक नंबर जो है 6 जो है वो दे दिया गया है। ओके तो हम क्या करेंगे, जो गिवन जो नंबर जो रहेगा, जो गिवन नंबर रहेगा उसे हम 2m के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। तो हमारा जो पहला नंबर जो 2m जो है उसे हमने 6 के इक्वल हमने अज्यूम कर लिया, है ना। तो 2m इज इक्वल्स टू 6 हमने अज्यूम कर लिया। अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो m इक्वल 6 बाय 2, ये 2 जो है आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग। अब 2 वन जा 2, 3 जा 6, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गया आपका 3, m की वैल्यू आ गया। अब हमारे पास मालूम है कि जो हमारा जो सेकंड नंबर वो किस फॉर्म में रहता है, m स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे m की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो m की वैल्यू को पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 जा 3 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 3 जा 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ गया। ओके तो हमारा सेकेंड नंबर क्या मिल गया, 8 मिल गया। फर्स्ट नंबर जो दिया था वो 6 था, सेकेंड नंबर आपने फाइंड कर लिया वो 8। अब हम थर्ड नंबर फाइंड करेंगे, तो थर्ड नंबर का फॉर्मूला m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 और यहाँ पे 9 प्लस 1 10, तो थर्ड नंबर आपको मिल गया 10। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 6, सेकंड नंबर आपने फाइंड कर लिया 8 और थर्ड नंबर आपका हो गया 10, है ना। तो ये जो तीनों नंबर हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जिसमें से एक नंबर जो है वो 6 है। ओके तो हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप ट्रायंगल आप फॉर्म करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो हमेशा डायगोनल यहाँ पे हाइपोटेनियस में आएगा। ओके और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस जो है इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा। ओके सो दिस इज द सिंपल टेक्निक। हम एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे हम इसे और अच्छे से हम सीख सकें। सपोज मान लीजिए सेकंड नंबर है आपका 14, है ना। तो 14 नंबर दिया हुआ है और आपको बाकी दो नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो हमारा जो स्टेप नंबर वन क्या कह रहा है, जो गिवन नंबर रहेगा उसे आप इक्वेट करोगे 2m के, तो 2m इज इक्वल्स टू 14, तो m इक्वल 14 अपॉन 2, तो 2 वन जा 2 7 जा, तो m इक्वल क्या आ गया, 7 आ गया। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, वैल्यू ऑफ m आपने फाइंड कर लिया। अब आप सेकंड नंबर फाइंड करोगे, आपको मालूम है फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस 1 जो है सेकंड नंबर होता है, तो m की वैल्यू पुट कर लो, तो 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 7 इंटू 7 माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस 1, तो 49 में से 1 जाएगा तो 48, ये आपका सेकंड नंबर आ गया।
थर्ड नंबर का फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर प्लस वन, सेवन की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो सेवन इंटू सेवन प्लस वन, सेवन सेवन जब 49 प्लस वन, 49 में से वन ऐड करोगे तो क्या आ गया 50। ओके तो आपका आंसर क्या आ गया 14, 48 and 15। आई होप आपको समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके वेरी इजी, अंडरस्टूड?